हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वोकैबुलरी ट्रिक्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं कवर करूंगा एम लेटर वोकैबुलरी सीरीज का 130 वोकैबुलरी। सो इससे पहले मैंने एम लेटर वोकैबुलरी सीरीज का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक अपलोड कर रखा है। अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हो पूरा ब्रीफली में, डीपली में, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक पूरे का पूरा जो पार्ट है वो सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो काफी रैपिडली कवर करूंगा। इसके अंदर मैं सिर्फ आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगा और एम निमोनिक ट्रिक्स बताऊंगा। जो एग्जांपल है उसका जो मीनिंग है ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक। आप वीडियो को पॉज करके आप प्लीज जो देख लेना, या तो प्लेलिस्ट में जाकर ना एम लेटर वोकैबुलरी सीरीज का आप उसमें से वोकैबुलरी आप देख सकते हो, ठीक है। तो वोकैबुलरी को याद करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जैसे कि जो एम निमोनिक ट्रिक्स है ना, आप अपनी कॉपी पे राइट डाउन जरूर कर लेना। अगर आप अपनी कॉपी पे राइट डाउन करते हो, उसके बाद हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन इसको रिवाइज करते हो ना, तभी आपके लिए ये बेनिफिट है 130 वोकैबुलरी, तभी आपको इजीली याद कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा ना, आज आपने 130 वोकैबुलरी याद कर लिया, ठीक है, और मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, उसके अंदर 130 वोकैबुलरी और होगा, ठीक है। तो आप इसको याद करोगे और इसको भी याद करोगे, ये होगा ना इससे कि आप ये वाला भूल जाओगे और ये वाला याद कर लोगे, इसे भूल जाओगे ये वाला याद हो जाएगा, ठीक है। एक हफ्ते बाद में आप इसे भूल जाओगे। इसको याद करने के लिए क्या करोगे आप, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन ना इसको जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे ना, तब तक आप आगे मत बढ़ना। ऐसे बढ़ोगे तो क्या होगा, हमेशा आप 100% भूल जाओगे, ठीक है। तो एक तो ट्रिक ये है, अपनी कॉपी पे फ्रॉड डाउन कर लो। और सेकंड ट्रिक से जो बेस्ट ट्रिक है और डिजिटल ट्रिक है, क्या करोगे आप, इसको वीडियो को ना, जो जितने भी ये लेक्चर है, ये जितने भी ये सारी की सारी, आप क्या कर लो, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना अपने मोबाइल से। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो, ठीक है, आपके की मोबाइल में सेव रहेगा, तो आप मोबाइल में कभी भी हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन या हर डेली आप जो वोकैबुलरी है उसको आप रिवाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आप जैसे कोई नया वोकैबुलरी याद करोगे ना, तो नया वोकैबुलरी याद करने से पहले आप कोई पिछला जो वोकैबुलरी है वो देखोगे, तो वे डिस्ट्रिक्ट देखोगे आप, तो ये क्या होगा ना, आप पिछला वोकैबुलरी नहीं भूलोगे। सबसे बेस्ट तरीका है आप इसको ना स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लोगे देखो, सबसे पहले तो आपको लिखने से बच जाओगे, जो कि काफ़ी दिक्कत होती है लिखने में, ठीक है। और ये जो फिगर है, इस फिगर के हिसाब से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मारुति है, मारुति कहीं भी आप देखोगे ना, तो मारुति से आपको ये पूरा का पूरा सेंटेंस याद हो जाएगा। मारुति आप कॉपी पर तो बना नहीं सकते हैं। सबसे बड़े तरीका है डिजिटल में जो भी वोकैबुलरी याद करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ जो मेजर ट्रिक है यही बेस्ट है, इसके अलावा जो भी यूट्यूब पर है ना, आप वहीं से वोकैबुलरी याद करो, सबसे बड़े तरीका है, ठीक है। कॉपी पर ब्रॉड डाउन करने से बढ़िया आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और दूसरे दिन, तीसरे दिन आप इसको याद करते रहो, रिवाइज करते रहो, इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वोकैबुलरी है मार्टिनेंट। मार्टिनेंट में होता है नियम करता है अनुशासक। तो याद करने का एनिमल ट्रिक्स है, मारुति का नेटवर्क कैसा है, मार्टिनेंट है। देखो मैं आपको पहले एक बार और बताता हूँ, जो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, सिर्फ एनिमल ट्रिक्स बताऊंगा और काफी रैपिडली बताऊंगा। अगर आप डीपली में पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक आप उसको देख सकते हो एम लेटर वोकैबुलरी का, ठीक है। सो मार्टिनेंट मीन्स होता है नियम करता है अनुशासक। तो याद करने का एनिमल ट्रिक्स है, मारुति का नेटवर्क मार्टिनेंट है, मतलब मारुति का जो नेटवर्क है वो कैसा है, नियम करता है और अनुशासक है। तो मैसोचिज मीन्स होता है सेक्सुअल प्लीजर फ्रॉम बींग फिजिकली हार्ट। सो याद करने का एनिमल ट्रिक्स है, माँ का नाम सोबा चेस्ट पर लिखता है, मैसोचिज्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट वोकैबुलरी मार्टिर। मार्टिर मीन्स होता है शहीद। सो याद करने की ट्रिक्स है, देश के लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं कौन, मार्टीर, मतलब देश के लिए जो मरने के लिए तैयार रहते हैं शहीद लोग। नेक्स्ट वोकैबुलरी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में होता है सांचा। तो मैट्रिक्स मूवी का एक क्या है, मैट्रिक्स है, मतलब मैट्रिक्स मूवी का एक कोने को सांचा है। तो नेक्स्ट वोकैबुलरी मास्कुरेट। मास्कुरेट मीन्स होता है स्वांग या वेश। तो याद करने की ट्रिक्स है, मास्क पहन के रेड पर जाता है कौन, मास्कुरेट, मतलब स्वांग या वेश लोग। तो मास्कुलेट और मास्क बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज मॉडलिंग। मॉडलिंग में होता है अपने पर तरस करना। तो मॉडलिंग वाली जो लड़कियाँ होती है अपने क्या क्या करती है, मॉडलिंग करती है। तो मॉडलिंग वाली लड़कियाँ अपने पर मॉडलिंग करती है, मतलब अपने क्या कर तरस करती है। मान लो इन्होंने कोई जो हीरोइन है इन्होंने क्या कोई नेगेटिव काम किया होगा, उसकी वजह से क्या कर रही है, अपने पर तरस कर रही है, ठीक है। तो मॉडलिंग और मॉडलिंग बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज मास्टिकेट। मास्टिकेट मीन्स होता है चबाना। तो मस्ती में ईट इज मास्टिकेट, मतलब जो मस्ती में जो लोग खाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, चबाना बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज मोल। मोल मीन्स होता है एनिमल। मोल समवन, मतलब कोई भी जो एनिमल है, किसी ने उसने किसी को अपने दांत से किसी को काट लिया उसे बोलते हैं मोल। तो कोई भी जानवर, ठीक है, अगर आपको उसने दांत से काट लिया तो उसे बोलते हैं मोल। तो याद करने का एनिमल ट्रिक्स है, मोल में कुत्ते ने आपको मोल किया, मतलब मोल में कुत्ते ने आपको दांत से काट लिया। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज मीगर। मीगर मीन्स होता है
अल्प या कम, उसे बोलते हैं मीगर। तो बैगर का सैलरी क्या है? मीगर है, मतलब बैगर का जो सैलरी क्या है, कम है। तो मीगर और बैगर बहुत रिलेटेड वर्ड्स। सो नेक्स्ट वर्ड इज मेहम। मेहम मीन्स होता है तहस नहस या तबाही। तो याद करने की एमनेमोनिक्स है, मेहम में एक दूसरे के लोग कैसे मारते हैं, बिना किसी रहम के मारते हैं, ठीक है। तो मेहम में लोग एक दूसरे को बिना किसी रहम से मारते हैं, मतलब क्या करते हैं, तबाही से मारते हैं, ठीक है। तो मेहम और रहम बहुत रिलेटेड वर्ड्स। तो नेक्स्ट वर्ड इज मैवरिक। मैवरिक मीन्स होता है अलग सोच, ठीक है। तो याद करने एनिमोनिट्रिक्स है, एमए करने के बाद भी रिक्शा चलाऊंगा, मतलब मान लो जो बंदा ग्रेजुएट है, तो जो बंदा ग्रेजुएट है तो एमए करने के बाद भी मैं क्या करूंगा, रिक्शा ही चलाऊंगा। ये क्या है, एम मैवरिक सोच है उसकी, तो मतलब क्या अलग सोच है। तो एमए करने के बाद भी रिक्शा चलाऊंगा, दैट इज मैवरिक, मतलब ये क्या अलग सोच है। तो मैवरिक और एमए और रिक्शा बहुत रिलेटेड वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज मौकिश। मौकिश मीन्स होता है अति भावुक। तो मुंह पे किस इज क्या है, मौकिश, मतलब जो मुंह पे जो किस करते हैं क्या हो, अति भावुक होता है। नेक्स्ट वर्ड इज मेव। मेव मीन्स होता है कोई जामुनी रंग, ठीक है, पर्पल कलर, उसे बोलते हैं मेव। फिगर में देख सकते हो ये जो कलर होता है उसे बोलते हैं मेव। तो माओवादी के यूनिफॉर्म का जो कलर है कैसा है, मेव है, मतलब माओवादी के जो यूनिफॉर्म का जो कलर है कैसा है, वो मेव है, मतलब पर्पल कलर का है, ठीक है। तो मेव और माओवादी बहुत रिलेटेड वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज मोजोलियम। मोसोलियम मीन्स होता है समाधि या मकबरा। तो याद करने की ट्रिक्स है, मुस्लिम फैमिली को मोसोलियम के अंदर, ठीक है, मुस्लिम फैमिली को मोसोलियम के अंदर डालते हैं, मतलब कहाँ डालते हैं उनको, मकबरे के अंदर डालते हैं। तो मोसोलियम और मुस्लिम बहुत रिलेटेड वर्ड्स। तो नेक्स्ट वर्ड इज मेडले। मेडले मीन्स होता है अलग अलग का मेल। तो मेडले में, मतलब अलग अलग के मेल में, इंडिया का कोई मेडल नहीं आता, मतलब मेडले मीन्स होता है अलग अलग का मेल। तो मेडले खेल में, ठीक है, मतलब अलग अलग मेल के खेल में इंडिया का कोई भी मेडल नहीं है, ठीक है। तो मेडले और मेडल बहुत रिलेटेड वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज मीडियम। मीडियम मीन्स होता है माध्य या साधक, साधन, तो उसे बोलते हैं मीडियम। तो मीडियम बिटवीन डेथ एंड अलाइव इज मीडियम। मीडियम बिटवीन डेथ एंड अलाइव इज मीडियम। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज मीक। मीक मतलब होता है चुपचाप या मृदुलता। तो मिका के सामने राखी कैसी है, मिका के सामने राखी सावंत वीक है और मीक है, ठीक है। तो मीक जो रिलेटिव वर्ड्स है, मिल्का और मीक बहुत रिलेटेड वर्ड्स। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज मियांडर। मियांडर मीन्स होता है घुमावदार रास्ता, ठीक है। याद करने की एनिमोनिट्रिक्स है, मंदिर के अंदर जाने वाला जो रास्ता कैसा है, वो मियांडर है, मतलब मंदिर के अंदर जो जाने वाला रास्ता है वो मियांडर है, चारों तरफ से घूमने वाला है। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज मिली। मिली मीन्स होता है पिसा हुआ, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड मिली मीन्स होता है पिसा हुआ। तो मील शुड बी मिली, मतलब जो मील होता है क्या होना चाहिए, शुड बी मिली होना चाहिए, मतलब पिसा हुआ होना चाहिए। जो मील मतलब होता है भोजन, जो भोजन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, पिसा होना चाहिए, तभी तो आपके पेट में जाएगा, ठीक है। तो मील शुड बी मिली, मतलब पिसा हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज मिली। मिली मीन्स होता है संक्रमित भीड़। तो दिल्ली के मेले में क्या है, मिली है, मतलब दिल्ली के जो मेला है उसके अंदर क्या है, काफी भीड़ है, संक्रमित भीड़ है। तो दिल्ली और मिली बहुत रिलेटेड वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज मेलिफ्यूशियस। मेलिफ्यूशियस मीन्स होता है मधुर, हैविंग अ प्लेजेंट एंड फ्लोइंग साउंड। सो याद करने का एनिमोट्रिक्स है, मलाई की तरह फ्लो करते हैं कौन, मेलिफिशियस, मतलब मलाई की तरह फ्लो करते हैं, मेलिफिशियस मतलब मधुर लोग मलाई की तरह फ्लो करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मेगलामोनियम, सॉरी मेघामोनियम, मेगलोमेनिया, सॉरी मेगलोमेनिया। मेगलोमेनिया मीन्स होता है अहंकार। तो मेघा लोगों को मेनिया है, ठीक है, मेघा लोगों को मेनिया है, तो क्या है वो, मेघा मेनिया है, ठीक है। तो मतलब क्या, मेघा लोगों को मेनिया है, तो क्या वो मेघना मेनिया है, मतलब अहंकार है, घमंड है। मिलनकोली। मिलनकोली मीन्स होता है गहरी उदासी। तो चैट पे लड़की मिली, ठीक है, आप मान लो चैट करो, चैट करते करते आपको फ्रेंडशिप हो गई उनसे, तो आप क्या करना चाहोगे, उनसे मिलने जाओगे, ठीक है। तो चैट पे लड़की मिली, मिलने गया तो कैसे निकली, वो काली निकल गई, तो क्या हो गया, दैट इज मिलनकोली, उसे बोलते हैं, मतलब क्या हो गया, आपको गहरी उदासी हो गई। तो चैट पे लड़की मिली, मिलने गया तो मिलनकोली मिली, तो मैं क्या हो गया, मैं मिलनकोली हो गया, मतलब गहरी उदासी हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज मर्कुरियल। मर्कुरियल मीन्स होता है डामाडोल। तो मरकरी की तरह मर्कुरियल है, मतलब मरकरी की तरह क्या है, डामाडोल है। नेक्स्ट वर्ड इज मैनियल। मैनियल मीन्स होता है नौकर चाकर। तो ऑल मेनी जॉब्स आर मेनियल, मतलब ऑल मेनी जॉब्स आर नौकर चाकर, छोटे छोटे जो जॉब होते हैं उसको होते हैं मेनियल, तो ऑल मेनी जॉब्स आर मेनियल। तो मंडेशियस मीन झूठा। तो मंडे संडे से पहले आता है, ये क्या है, मंडेशियस है, तो मतलब झूठा है। तो मिनाग्री। मिनाग्री मीन्स होता है जानवरों का समूह। तो मीना जी ने अपने घर को मिनाग्री बना कर रखा है, मतलब मीना जी ने अपने घर को जानवरों का समूह बना कर रखा है। तो मीना जी और मिनाग्री बहुत रिलेटेड वर्ड्स। तो
मिनायंस में से होता है कपट कार या धमकाना, तो मीना बाजार में लैंड माइंस का मिनायंस है, मतलब मीना बाजार के अंदर लैंड माइंस का क्या है, धमकाना है, ठीक है। तो मीना बाजार और मीनाइंस, सो बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स। सो मिटी मीन्स होता है सीमा सूचक पत्थर, तो कोई भी पत्थर होता है, पत्थर के ऊपर किसी का नाम लिख दो, ठीक है, या किसी की कोई सूचना लिख दो मिट्टी के, सॉरी पत्थर के ऊपर, उसे बोलते हैं मिट्टी। तो या ठीक है, मिट्टी का मिट्टी बनाते हैं, मतलब मिट्टी का क्या बनाते हैं, सीमा सूचक पत्थर बनाते हैं, ठीक है। तो मिट्टी का मिट्टी बनाते हैं, मतलब मिट्टी का सीमा सूचक पत्थर बनाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मैसमराइज, मैसमराइज मीन्स होता है सम्मोहित करना, से बोलते हैं मैसमराइज। तो मैस का राइस आपको मैसमराइज करता है, मतलब मैस का जो राइस है उसको आपको क्या करता है, मैसमराइज करता है, मतलब आपको सम्मोहित करता है। नेक्स्ट वर्ड मेटाफोर्सिस, मेटाफोर्सिस में से होता है आकार बदलना, उसको बोलते हैं मेटाफोर्सिस। तो मेटाफोर्सिस रॉक इज मेटाफोर्सिस, मतलब मेटाफोर्सिस जो रॉक होते हैं वो क्या होता है, आकार को बदलते रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मैट्रिशियस, मैट्रिशियस में से होता है बनावटी शोभायुक्त, तो उसे बोलते हैं मैट्रिशियस। तो मैरी करने का ट्राई नहीं करता है, मतलब मैरी करने का ट्राई नहीं करता है कौन, मैट्रिशियस को। नेक्स्ट वर्ड इज मैंडिकेंट, मैंडिकेंट मतलब होता है भिखारी, तो दिल्ली कैंट के मंडी में लॉर्ड्स ऑफ मैंडिकेंट, मतलब दिल्ली कैंट के जो मंदिर सॉरी मंडी है उसके अंदर क्या है, लॉर्ड्स ऑफ मैंडिकेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा भिखारी है। तो दिल्ली मंडी, दिल्ली कैंट के मंडी, बहुत आर रिलेटेड वर्ड्स। तो मिलियू, मिलियू मीन्स होता है वातावरण, तो देखो याद करने के एनिमोनिटिक्स है, जू किसी से मिली इसका मतलब क्या है, उसके पीछे कुछ ना कुछ मिलियू है, मतलब जू किसी से मिली उसके पीछे क्या है, एक वातावरण है, कुछ ना कुछ तो बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज मियाजमा, मियाजमा मीन्स होता है दूषित वायु, आप ही को देख कर ही आपको याद हो गया होगा मियाजमा मतलब दूषित वाषित, दूषित वायु। तो माई हाजमा खराब हो गया, तो क्या निकल रहा है इसका, मियाजमा निकल रहा है, मतलब क्या निकल रहा है इसका, दूषित वायु निकल रही है। तो मेटल, मेटल में होता है औज हिम्मत, तो हाउ मच मेटल योर इनसाइड, हाउ मच मेटल योर इनसाइड इज बी नोन एज मेटल, मीन्स औज या हिम्मत, आपके अंदर कितना मेटल है, मतलब कोई पदार्थ है वो हम देखना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है वो मेटल, और मेटल और मेटल है, मतलब औज या हिम्मत है। तो मेटल और मेटल बहुत रिलेटेड वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज मिटियोरिक, मिटियोरिक मीन्स होता है कोई भी बंदा होता है ना, वो काफ़ी रैपिडली ग्रोथ करता है अपने लाइफ के अंदर, काफ़ी रैपिडली, जैसे कि कुछ किसी का 100 करोड़ का बिजनेस है, ठीक है, 100 करोड़ से वो 100 अरब करोड़ कमा लेता है, तो काफ़ी, और वो भी सिर्फ सिर्फ 1 साल के अंदर, उसे बोलते हैं मेटियोरिक, मतलब काफ़ी कम समय के अंदर काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पाना, उसे बोलते हैं मेटियोरिक। तो मिट्टी से एकदम ऊपर उठ के क्या है, मेटियोरिक है, मतलब मिट्टी से एकदम ऊपर उठ के क्या है, मेटियोरिक है, मतलब सक्सेसफुल बंदा है, वेरी फास्ट ग्रोइंग, लॉट्स ऑफ अटेंशन। तो मिट्टी और मिट्टी बहुत रिलेटेड वर्ड्स। तो नेक्स्ट वर्ड इज मिटिकुलस, मिटिकुलस में तो होता है अति सावधान या सतर्क, उसे बोलते हैं मिटिकुलस। तो मिट्टी के कलश मिटिकुलस से बनाते हैं, मतलब जो मिट्टी का जो कलश है वो हमेशा मिटिकुलस से बनाते हैं, मतलब बड़ी सावधानी से और सतर्कता से साथ बनाते हैं। तो मेटाफिजिकल मतलब आध्यात्मिक, विदाउट मेडिकल फॉर्म और सप्तान, उसे बोलते हैं मेटाफिजिकल। तो फिजिकल इज नॉट मेटाफिजिकल, मतलब जो फिजिकल इज नॉट मेटाफिजिकल, मतलब नॉट आध्यात्मिक। तो माइनस स्कूल, माइनस स्कूल मीन्स होता है बहुत छोटा, तो मिनी स्कूल वास माइनस स्कूल, मतलब जो सारे ऑल मिनी स्कूल्स आए माइनस स्कूल, मतलब सारे के सारे जो मिनी स्कूल होते हैं क्या होते हैं वो माइनस स्कूल होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मिनियन, मिनियन मीन्स होता है चापलूस या कृपया पात्र, तो मिनी यूनियन बड़ा यूनियन का क्या होता है, मिनियन होता है, मतलब मिनी यूनियन बड़ा यूनियन का मिनियन होता है, मतलब क्या होता है, चापलूसी होते कृपया पात्र होता है, ठीक है। तो मिनायंस, मिनायंस मीन्स होता है छोटा करना, उसे बोलते हैं मिनायंस। तो वेनिस में एक्सीडेंट होगा तो आपका पैर क्या हो जाएगा, माइंस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मीन्स मतलब एक रूट्स वर्ड्स भी है, मीन्स मतलब होता है माइनस, मतलब छोटा, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो वेनिस और मीन्स बहुत रिलेटेड वर्ड्स। तो मिनसिंग, मिनसिंग मीन्स होता है बनाकर बोलना, तो वर्ड को मिन्स करते हैं मिनसिंग लोग, मतलब वर्ड को छोटा करते हैं कौन, मिनसिंग लोग, मतलब बनाकर बोलने वाले। नेक्स्ट वर्ड इज मिलिटिया, सॉरी मिलिटेट, मिलिटेट मीन्स होता है असर करना या प्रभावित करना, तो मिलिटेट का असर क्या है, मिलिटेट करता है, मतलब जो मिलिटेट का जो असर है वो हमको प्रभावित करता है। नेक्स्ट वर्ड इज मिलिटिया, मिलिटिया मीन्स होता है नागरिक सेना, तो मलेशिया के सारे लोग क्या है, मिलिटिया है, मतलब मलेशिया के जो है सारे के सारे लोग मिलिटिया है, मतलब नागरिक सेना है। नेक्स्ट वर्ड इज मिसिव, मिसिव मीन्स होता है लंबा कार्यकारी पत्र, उसे बोलते हैं मिसिव। तो मिस को मिसिव भेजना है, मतलब मिस को क्या भेजना है, लंबा कार्यकारी पत्र भेजना है।
नेक्स्ट वर्ड इज मिसगिविंग. मिसगिविंग मिस होता है संदेश या आशंका, उसे बोलते हैं मिसगिविंग. तो मिस हुआ मनी, आपका मान लो कहीं मनी गुम हो गया हो, ठीक है, तो मिस हुआ मनी आपको अचानक मिल गया, तो आप सोचोगे भाई ये तो कुछ ना कुछ मिसगिविंग है, मतलब क्या है, कुछ ना कुछ संदेश है, कुछ ना कुछ आशंका है, कुछ ना कुछ डाउट है, क्यों मेरा मिस हुआ मनी मिल गया, क्यों, क्या कारण लोगों ने इसे नहीं उठाया, ठीक है. तो मिस हुआ मनी आपको मिल गया, ये क्या है, मिस गिविंग हो गया, ठीक है, आशंका हो गई आपको. तो मिस गिविंग और मिस हुआ मनी बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स. तो मिस एप्रीहेंड, मिस एप्रीहेंशन, मिस एप्रीहेंशन मिस होता है गलत समझना. तो याद करने की ट्रिक्स है, मिस को देखकर आपको मिस एप्रीहेंशन हो गया, मतलब मिस को देखकर, मतलब ये जो फिगर है इनको देखकर, ठीक है, इनको देखकर अब क्या होगा, आपको मिस एप्रीहेंशन हो गया, मतलब आप इसको गलत समझ गए. तो मर्थ, मर्थ मिस होता है हंसी, विनोद. तो अर्थ समझ में आ गया तो आप मर्थ करोगे, मतलब अर्थ अगर आपको समझ में आ गया तो क्या करोगे, आप हंसी या विनोद करोगे. तो मायर, मायर मिस होता है कीचड़. मायर में गिर गया तो आप मर जाओगे, मतलब क्या होगा, कीचड़ में गिर गया जाओगे तो आप क्या हो जाएगा, मर जाओगे. तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और कर लेना, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जो मेरा टारगेट था कुछ तो मोटिवेशन मिले मुझे, क्योंकि मेरा जो टारगेट है 3000 वोकैबुलरी का वो मैं कंप्लीट कर सकूँ. अगर वीडियो को लाइक करोगे तभी मुझे लगेगा कि हाँ भाई जो वीडियो जो मैं अब बना रहा हूँ कुछ ना कुछ काम का है, ठीक है, आपके भी काम का, मेरे भी काम का, मेरे भी टाइम जो वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है. तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए, ठीक है. तो मायर मिस होता है किचन. तो मायर मिस होता है, मायर में गिर गया तो क्या हो जाएगा, मर जाओगे, मतलब क्या हो जाएगा, किचन में गिर जाओगे तो मर जाओगे. तो मिटिगेट, मिटिगेट मिस होता है गंभीरता को कम करना. तो पाक, इंडिया पाक बॉर्डर में मिट्टी का गेट लगाकर आपने टेररिज्म को क्या किया, मिटिगेट किया. तो फ्रेंड काफ़ी मैं इस वीडियो है ना काफ़ी रैपिडली करा रहा हूँ, अगर आपको डीपली में पढ़ना है ना तो प्लीज़ वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट में जाइए, उसके अंदर मैंने एम लेटर वोकैबुलरी सीरीज का अलग से एम लेटर पार्ट बना रखा है, आप उसमें जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है. तो मिसकॉन्स्ट्रू, मिसकॉन्स्ट्रू मीन्स होता है गलत या अशुद्ध अर्थ लगाना, उसको बोलते हैं मिसकॉन्स्ट्रू. याद करने के एनिमोट्रिक्स है, इसमें से कौन सी मिस ट्रू है, ठीक, इसके अंदर कौन सी मिस ट्रू है, समझने में आप क्या हो, मिसकॉन्स्ट्रू हो, मतलब क्या हो, समझने में से आप एस गलत हो, ठीक है. तो मिसकॉन्स्ट्रू और मिस ट्रू बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स. सो मोल्ट, मोल्ट या माउंट उसे बोलते हैं, कोई पंछी का जो, सॉरी, जो किसी कोई बर्ड्स है, बर्ड्स का जो फीदर होता है ना, फीदर मतलब पंख, उसे बोलते हैं मोल्ट, ठीक है. तो फीदर मोल्ट होके मोल्ट होते हैं, मतलब फीदर जब मोल्ट होके क्या होते हैं, मोल्ट होते हैं. वैसे ट्रिक्स बड़ी ढंग की, वैसे आप रट लेना, ठीक है, इसकी मुझे हिंदी मिली नहीं. मोलिकोडल, मोलिकोडल मीन्स होता है अत्यधिक ध्यान देना, उसे बोलते हैं मोलिकोडल. तो डोली, मोलिकोडोल की तरह मोलिकोडल करते हैं, मतलब मोलिकोडोल की तरह अत्यधिक ध्यान देते हैं. तो मोलिकोडल और डोल बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स. तो मोलिफाई, मोलिफाई मतलब होता है शांत करना. तो मोली फ्राई खा के गुस्से को मोलिफाई करते हैं, मतलब मोलिफाई खा के आप गुस्से को मोलिफाई करते हैं, मतलब शांत करते हो. मोगुल, मोगुल मीन्स होता है धनवार या मालदार. वेरी रिच, इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन. सो मुगल के लोग क्या है, मुगल के लोग, मुगल है मतलब मुगल, मुगल एम्पायर जो मोमधम थे ना, जो मुगल एम्पायर के लोग मुगल थे, मतलब क्या थे, काफी धनवान थे, धन मालदार थे. तो मुगल और मुगल बोध रिलेटेड वर्ड, बोध है का अंतर, जी के बाद आप एच लगा दो, एक जगह आप ए लगा दो तो मुगल हो जाएगा, ठीक है. तो मोडिकम, मोडिकम मीन्स होता है थोड़ा. तो मोदी कम कम, मोडिकम ट्रूथ बोलते हैं, मतलब मोदी जो है कम कम सच बोलते हैं, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सच बोलते हैं वो, तो मोदी मोदिकम बोलते हैं. तो मोरबिड, मोरबिड मीन्स होता है रोगग्रस्त या रोगण. तो मरने पे बैठ लगाते हैं मोरबिड लोग, मतलब मरने पर बैठ लगाते हैं रोगग्रस्त लोग, उनको मरना ही है तो जब भी तो बैठ लगाएंगे, क्योंकि मैं कभी मर जाऊंगा इसलिए जब बैठ लगा लेते हैं, ठीक है. तो मरने पर बैठ लगाते हैं कौन, मोरबिड लोग. तो मोराटोरियम, मोराटोरियम होता है क्षणिक विराम. तो जब पाक मोर ऑटोरियम अटैक करेगा तो इंडिया क्या करेगा, मोरेटोरियम करेगा. या जब इंडिया मोर थोरियम अटैक करेगा तो पाक क्या करेगा, मोरेटोरियम करेगा, मतलब क्या करेगा, क्षणिक विराम करेगा. अ टेम्पररी स्टॉपिंग ऑफ एन एक्टिविटी स्पेशली बाय ऑफिशियल एग्रीमेंट. किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू आप किसी वार को या किसी लड़ाई को आप कुछ टाइम के लिए रोक देते हो, उसे बोलते हैं मोरेटोरियम, मतलब क्षणिक विराम. तो मोमेंटस, मोमेंटस मीन्स होता है महत्वपूर्ण या आवश्यक. दिस मोमेंटम इज मोमेंटस हमारे लिए, दिस मोमेंट क्या है, हमारे लिए मोमेंटस है, मतलब हमारे लिए महत्वपूर्ण है. तो मोंग्रिल, मोंग्रिल मीन्स होता है शंकर जाते या दोगला. अ डॉग हुज पेरेंट्स
आर ऑफ डिफरेंट ब्रैड्स। सो मंगल का कुत्ता रियल नहीं है, कैसा है वो? मोंग्रिल है, मतलब मंगल का जो कुत्ता है वो मोंग्रिल है, मतलब शंगर जाति है। तो मोंग्रिल और मंगल बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स। सो मोर्टिफाई, मोर्टिफाई मीन्स होता है चढ़ाना या तंग करना, उसे बोलते हैं मोर्टिफाई। तो मोटी को मोटी करके आपने क्या किया, उसको मोटिफाई किया, मतलब मोटी है, मोटी को भाई मोटी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा उसको, मैं उसको लगे क्या कहेगा कि मुझे मोटी को मोटे कहेगा। आपने क्या किया, मोटिफाई किया, मतलब उसको आपने उसको चिढ़ाया। तो नेक्स्ट पढ़ा मोर्टिशियन, मोर्टिशियन मोर्टिशियन मीन्स होता है संस्कार का प्रबंध करने वाला, उसको बोलते हैं मोर्टिशियन। तो इलेक्ट्रिशियन मर गया तो मोर्टिशियन पे भेज देते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिशियन है वो मर जाएगा तो आप उसको कहाँ भेज दोगे, मोर्टिशियन के पास भेज दोगे, मतलब कहाँ भेज दोगे, मृत संस्कार करने वाले लोग बंदे के पास भेज दोगे। तो नेक्स्ट वर्ड इज मोरबिडंड, मोरबिडंड सॉरी मोरिबंड, मोरिबंड मिस होता है बंद हो जाना या रुकना, नो लॉन्गर इफेक्टिव एंड अबाउट टू कम एंड एंड कम्प्लीटली। तो रात करी एनिमेटिक्स है, बोरे में बंद करके रख दिया तो क्या हो जाएंगे, मोरिबंड हो जाएंगे, मतलब बोरे के अंदर आप इसको क्या कर दोगे, रख के अंदर, बोरे के अंदर रख के मोरिबंड करते हैं। मोरस, मोरस मीन्स होता है उदास। तो शी गेव मी नो रोस, मतलब लड़की ने क्या किया, मुझे कोई रोस नहीं दिया, शी गेव मी नो रोस सो आई एम मोरस, इसलिए मैं क्या हूँ, मैं मोरस हूँ, मतलब मैं उदास हूँ। तो मोरगी, मोरगी मीन्स होता है मरघट, मर गया तो मोरगी में रखते हैं, मतलब मर गया तो कहाँ रखते हैं, मरघट पर रखते हैं। अ बिल्डिंग इन विच डेड बॉडी आर कैप्ट बिफोर दे आर बरिड, और ठीक है, तो मरने से पहले जहाँ पर डेड बॉडी को रखते हैं उसको बोलते हैं मोरगू। तो मोरगू क्यों बोलते हैं, शव ग्रह बोई बोलते हैं, ठीक है, मोरगू में से। तो मर गया तो मोरगू में रखते हैं, तो मोरगू और मर बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स। तो मोरस, मोरस में होता है लोकाचार्य या लोकप्रत। तो किरण मोरे का मोरस है, मतलब किरण मोरे का क्या लोकाचार्य है। तो मोट, मोट में होता है धूलकण। तो इस मोटे के सामने आप क्या हो, मोट हो, मतलब इस मोटे के सामने आप बिल्कुल धूलकण के समान हो। नेक्स्ट वर्ड इज मोजाइक, मोजाइक में होता है चित्र वर्णन या योजना। तो एक एक मोजे को जोड़कर मोजाइक बनाते हैं, मतलब एक एक जोड़े, मतलब एक एक जोड़े को आप जोड़कर क्या बनाते हैं, मोजाइक बनाते हैं, मतलब चित्र वर्णन बनाते हैं। जो अ पिक्चर, अ पिक्चर और पैटर्न मेड बाय प्लेसिंग टुगेदर स्मॉल पीस ऑफ ग्लास और स्टोन। नेक्स्ट वर्ड इज मोटल्ड, मोटल मीन्स होता है चितकबरा, ठीक है। तो बोतल पी के नाली पे गिर गया तो शर्ट क्या हो जाएगी, आपकी मोडल हो जाएगी, मतलब आपके शर्ट जो है चितकबरे हो जाएगी। तो बोतल पी के नाली में गिर गया तो आपकी जो शर्ट है कैसे हो जाएगी, मोडल हो जाएगी, मतलब चितकबरा हो जाएगी। तो मार्केट और सॉरी मार्केट वेयर स्पेस ऑफ डिफरेंट कलर्स विदाउट अ रेगुलर पैटर्न। मोटले, मोटले मीन्स होता है मिश्रण, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल और थिंग्स दैट डोंट सीम्स टू बिलोंग टूगेदर। सो मोटले मीन्स होता है मिश्रण। तो बोतलें पीते हैं मोटले लोगों के साथ, मतलब जो बोतल पीते हैं मोटले लोगों के साथ, मतलब मिश्रण लोगों के साथ। तो बोतले और मोटले बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स। तो मोटल, मोटल मीन्स होता है गतिशील। तो मोबाइल और मड के बिना मोटल नहीं है, मतलब मोबाइल और गर्ड के, मोबाइल और मड मतलब कीचड़ होता है, ठीक है। तो मोबाइल और मड के बिना क्या होता है, मोटल नहीं होता है, मतलब गतिशील नहीं होता है। तो मोटिव, मोटिव होता है प्रधान, चेष्टा या विचार मूल भाव, उसे बोलते हैं मोटिव। तो मोती फिट के मोटिव बनाए, मतलब मोती एक एक मोती फिट करके उसे क्या बनाते हैं, मूल भाव बनाते हैं। देखो मोटिव मीन्स होता यही है, अ डिजाइन और पैटर्न यूज एज अ डेकोरेशन। तो कुछ भी डिजाइन हो या पैटर्न हो उसको कैसे यूज करते हैं, हम एज अ डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, उसे बोलते हैं मोटिव। तो मोती फिट के करके क्या बनाया, मोटिव बनाया। तो मलेट, मलेट मीन्स होता है अर्थदंड या जुर्माना। तो मल्टीनेशनल कंपनी लोगों को मलेट करती है, जो मल्टी मतलब जो मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है वो लोगों को क्या करती है, अर्थदंड देती है या जुर्माना देती है। तो म्यूंडेन, म्यूंडेन मीन्स होता है सांसारिक या लौकिक। तो मुंडन सेरेमनी इज म्यूंडेन। तो जो मुंडन जो सेरेमनी होता है उसको क्या बोलते हैं, मुंडेन बोलते हैं। तो मगी, मगी मीन्स होता है उमसदार। तो मैगी बना के किचन को मगी किया, मतलब मैगी बना, मैगी बना के हम किचन को क्या किया, हमने मैगी बना दिया, मतलब काफी उमसदार कर दिया हमें किचन को। सिंपल सी बात है, कभी भी आप किचन में अगर कुछ भी बनाओगे तो जो भाप निकालता है, जो गैस निकालता है, उससे क्या होता है, पूरे के ऊपर उमस हो जाती है, पूरी पूरी किचन में, अगर आपका किचन एक छोटा किचन हो तो, ठीक है। तो मैगी बना के आपने क्या किया, किचन में, किचन को क्या किया, मैगी कर दिया, मतलब काफी उमसदार कर दिया। तो म्यूडल, म्यूडल मीन्स होता है बिना क्रम में रखना। तो म्यूडल मीन्स बिना क्रम में रखना या धुंधला करना। तो इंडिया के मिडल ऑर्डर में म्यूडल है, मतलब जो इंडिया के जो मिडल ऑर्डर में क्या है, काफी बिना क्रम से रखा हुआ, काफी धुंधला है। तो माउंट बैंक, माउंट बैंक मीन्स होता है जूठा वैद्य या ठग वैद्य, बहुत अमाउंट है बैंक में, ये क्या है, माउंट बैंक है।
क्या है, झूठा है, वैध है। कभी आपका फ्रेंड बोलता ठीक है, फ्रेंड बोलता भाई मेरे अकाउंट में तो बहुत सारा पैसा है, ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, क्या है वो माउंट बैंक है, तो माउंट बैंक और बहुत बहुत अमाउंट बैंक, माउंट बैंक और अमाउंट बैंक बहुत आर रिलेटेड वर्ड्स। तो मरकरी, मरकरी में होता है धुंधला या अंधेरा। तो टर्की का पानी मरकी होता है, मतलब टर्की का पानी कैसा होता है, काफी धुंधला होता है। तो टर्की और मरकरी बहुत आर रिलेटेड वर्ड्स। सो म्यूरल, म्यूरल होता है दीवार को, दीवार पर चढ़ाया हुआ, मतलब अ लार्ज पिक्चर दैट हैज बीन पेंटेड ऑन द वॉल ऑफ अ रूम और बिल्डिंग, उसे बोलते हैं म्यूरल। तो रूलर में म्यूरल है, मतलब जो रूलर के अंदर क्या है, म्यूरल है, मतलब काफी क्या है, दीवार है, ठीक है, पिक्चर है। तो रूलर के अंदर क्या है, म्यूरल है, मतलब कोई दीवार है, ठीक है, दीवार के ऊपर क्या पिक्चर, उसे बोलते हैं तो म्यूरल। सो म्यूनिफिशियंट, म्यूनिफिशियंट होता है एक्सट्रीमली जनरस, मतलब बहुत ज्यादा दयालु। तो एक तो होता है मैग्नामिनस, मैग्नामिनस में तो होता है दयालु या जनरस बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है म्यूनिफिशियंट, म्यूनिफिशियंट मतलब होता है एक्सट्रीमली जनरस या एक्सट्रीमली मैग्नामिनस, उसे बोलते हैं म्यूनिफिशियंट। ये सारे के सारे क्या है, सिनोनिम्स एग्जाम में आ सकते हैं, रिमेम्बर रखना है, ठीक है। तो वेरी जनरस वेस्ट मनी, ठीक है, तो किसी भी मनी से ज्यादा म्यूनिफिशियंट होना, उसी बोलते हैं म्यूनिफिशियंट, ठीक है। तो मनी देने में एफिशियंट है लक्ष्मी माता जी, मनी देने में एफिशियंट है, इसका मतलब क्या है, लक्ष्मी माता क्या है, म्यूनिफिशियंट है, काफी उदार या काफी दाता है, ठीक है। तो म्यूज, म्यूज मिस होता है सरस्वती देवी। तो म्यूजिक के लिए आपको म्यूज चाहिए, मतलब म्यूजिक के लिए आपको क्या चाहिए, सरस्वती देवी जी चाहिए, सब सिंपल सी बात है। तो मरमर, मरमर मिस होता है शिकायत। तो मरमर के मरमर करती है, मतलब क्या करती है, मरमर के तो शिकायत करती है, मतलब मरमर के मरमर करती है। तो मरमर और मुरमुर बहुत सारे रिलेटेड वर्ड्स। सो मस्टी, मस्टी मिस होता है सड़ा पुराना। तो बस्ती में हमें मस्टी स्मेल है, मतलब बस्ती के अंदर कैसे स्मेल है, मस्टी स्मेल है, मतलब काफी सड़ा या पुराना स्मेल है। तो मस्टर, मस्टर मिस होता है एकत्रित होना या इकट्ठा होना। तो मास्टर बनने के लिए, ठीक है, तो मास्टर बनने के लिए आपको नॉलेज का मास्टर करना पड़ेगा, मतलब जो आपकी जो नॉलेज है उसको क्या करना पड़ेगा, एकांतित करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट वर्ड इज मैरिड, मैरिड मीन्स होता है बहुत सा। तो मैरिड में मैरिड गर्ल है, मतलब जो मैरिड के अंदर क्या है, मान लो कोई मैरिड कोई कंट्री है, ठीक है, तो मैरिड कंट्री के अंदर मैरिड गर्ल है, मतलब बहुत सारी लड़कियां है। एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, कुछ भी चीज बहुत लार्ज होना, कुछ भी चीज एक्सट्रीमली लार्ज होना, उसे बोलते हैं हम मैरिड, ठीक है। तो मैरिड मतलब मैरिड में बहुत सारी मैरिड गर्ल है। तो मिस्ट्रिक, मिस्ट्रिक मतलब होता है ईश्वर से साक्षात दर्शन का अभिलाषी, उसे बोलते हैं मिस्ट्रिक। अ पर्सन हु रेज टू बिकम यूनाइटेड विद गॉड्स थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन एंड सो अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर बिलोंग नॉर्मल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो याद करने के लिए मोनिट्रिक्स है, देखो मिस्टिक मतलब होता है ईश्वर से साक्षात दर्शन का अभिलाषी, मतलब अभिलाषी मतलब होता है इच्छा, ठीक है, जिसकी कोई इच्छा होती है, ठीक है, वो उसने मतलब मान लो कोई किसी ने कहता, मैं कहता हूँ कि मैंने भाई ईश्वर को साक्षात देख रखा है, ठीक है, तो मुझे लोग क्या बोलेंगे, मुझे बोलेंगे लोग मिस्टिक, ये बंदा क्या है, मिस्टिक है, इस बंदे ने साक्षात लोगों से, सॉरी गॉड से साक्षात मिल चुका है ये। तो मिस्टिक मतलब होता है लोग गॉड से साक्षात मिलना, उसे बोलते हैं मिस्टिक। तो याद करने के निमोनिट्रिक्स है, गॉड का मिस्ट्री सॉल्व करने वाला मिस्टिक है। तो गॉड का जो मिस्ट्री है ना, क्या है गॉड, कितने गॉड है, 1,000 है, 2 है, 5 है, सबका मालिक एक है, कितने गॉड है। तो जो गॉड का जो मिस्ट्री है ना, उसे सोल्व करने वाले को क्या बोलते हैं, मिस्ट्रिक बोलते हैं, मतलब ईश्वर से साक्षात दर्शन का अभिलाषी बोलते हैं उसे, मतलब इस बंदे ने तो साक्षात भगवान से मिल चुका है, तो उसे बोलते हैं मिस्टिक। नेक्स्ट वो कलर इज म्यूटर, म्यूटर मिस होता है गुनगुनाना या भुनभुनाना, उसे बोलते हैं म्यूटर। टू कंप्लेंट अबाउट समथिंग विदाउट सेइंग पब्लिसिटी व्हाट यू थिंक, उसे बोलते हैं म्यूटर। तो मटर की सब्जी नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे, म्यूटर करोगे, मतलब क्या करोगे आप, गुनगुनाओगे। तो म्यूटर मतलब होता है मटर। तो म्यूटिनस, म्यूटिनस मीन्स होता है बागी। तो मेंटेनेंस म्यूटिनस होते हैं, मतलब जो मेंटेनेंस होते हैं ना, क्या होते हैं वो, म्यूटिनस होते हैं, मतलब बागी होते हैं। म्यूटिलेट, म्यूटिलेट मीन्स होता है अंग भंग करना, ठीक है, डिस्ट्रॉय और इंजोर सर्वली। तो सड़क पर मत लेटो, सड़क पर मत लेटो, ठीक है, क्या हो जाएगा, शरीर आपका म्यूटिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज म्यूटेबल, म्यूटेबल मीन्स होता है दैट कैन चेंज। तो टीवी म्यूट कर
कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, तो टीवी का जो रिमोट है क्या था वो म्यूटेबल है, मतलब दैट कैन बी चेंज। तो टीवी का रिमोट कर सकते हैं तो म्यूटेबल है, मतलब दैट कैन बी चेंज। मेलस्ट्रोम, मेलस्ट्रोम मीन्स होता है भारी तबाही, अ सिचुएशन इन विच देयर इज ग्रेट कंफ्यूजन वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन। सो मेले में स्ट्रोम आ गया, मेले में स्ट्रोम आ गया, तो क्या हो गया, मेल स्ट्रोम हो गया, मतलब बहुत बड़ी भारी समय हो गई। तो मैड्रिगल, मैड्रिगल मीन्स होता है गांव का गीत, तो मैड गर्ल मैड्रिगल गाती है, मतलब मैं जो मैड गर्ल है वो गांव का गीत गाती है। तो नेक्स्ट वर्ड इज मैग्नानिमस, मैग्नानिमस होता है उदार, वेरी काइंड एंड जनरस टुवार्ड्स एन एनिमी समवन यू हैव डिफिटेड, उसे बोलते हैं मैग्नानिमस। तो मेगा एनिमल्स आर मैग्नानिमस, मतलब जो मेगा एनिमल्स होते हैं क्या होते हैं वो मैग्नानिमस होते हैं, मतलब वो उदार होते हैं। तो मैग्नानिमस और मेगा एनिमल बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स। सो म्याम, म्याम मीन्स होता है हानि पहुंचाना या कष्ट देना। तो मालकिन को नौकर ने म्याम किया, मतलब मालकिन, मालकिन को नौकर ने कष्ट पहुंचाया, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। और एक मैडम ने नौकर को म्याम किया, मतलब मैडम ने नौकर को म्याम किया, मतलब हानि पहुंचाई। तो म्याम और मैडम बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स। तो नेक्स्ट वर्ड इज मैग्नेट, मैग्नेट मीन्स होता है बड़ा आदमी या अमीर आदमी, से बोलते हैं मैग्नेट। और एक मैग्नेट होता है किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, ठीक है, तो आकर्षित करना ये सबको पता ही है, मैग्नेट होता है चुंबक। तो उसी तरह से है कि तो जो लोग मैग्नेट की तरफ अपनी तरफ पैसा खींचते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेट कहते हैं, मतलब उसी को क्या बोलते हैं, अमीर आदमी कहते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो आएगा ना, जो मैग्नेट आएगा वो यही यही मीनिंग आएगा मैग्नेट, ना कि वो आएगा चुंबक वाला मैग्नेट, ठीक है, ध्यान रखना। मेकशिफ्ट, मेकशिफ्ट मतलब होता है थोड़े समय के लिए उपाय, कैंप को मेक करके लोगों को शिफ्ट करते हैं, कहाँ पर, मेकशिफ्ट कैंप में, मतलब कैंप को मेक करके लोगों को शिफ्ट करते हैं मेकशिफ्ट कैंप में, मतलब थोड़े समय के उपाय के लिए। तो मेलाड्रोइट, मेलाड्रोइट मीन्स होता है अनाड़ी, अनस्किलफुल। तो मेले में अरेंजमेंट राइट नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये तो मेलाड्रोइट है, मतलब ये तो अनाड़ी है। तो मेलाड्री, मेलाडी मीन्स होता है बीमारी या रोग। तो मेलोडी खाएगा तो दांतों के लिए मेलाडी हो जाएगा, मतलब अगर आप मेलोडी खाओगे तो आप दांतों के लिए क्या हो जाओगे, काफ़ी बीमार हो जाओगे। तो मेलोडी मीन्स होता है सीरियस प्रॉब्लम, वायलेंस क्राइम्स इन ओनली वन ऑफ मेलेडीज एक्सेप्टेड मॉडर्न डिफिकल्टी। सो मेलाइस, मेलाइस मीन्स होता है बेचैनी या व्याकुलता, जिसे बोलते हैं मेलाइस। तो मलेशिया के सारे लोगों को मेलाइस हो गया है, मतलब मलेशिया के सारे लोगों को मेलाइस हो गया, वो सारे क्या है, बेचैन है, व्याकुल है, उसे बोलते हैं मेलाइस। सो नेक्स्ट वर्ड इज मेला प्रपोज, मेला प्रपोज मीन्स होता है आउट ऑफ प्लेस, अनप्रयुक्त, ऐसा प्लेस जहाँ पर तुम वो काम नहीं करना चाहिए, उसे बोलते हैं मेला प्रपोज। तो देखो मेले, मेले में अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करोगे ये क्या है, मेला प्रपोज है, मतलब क्या है, अनुपयुक्त, आउट ऑफ प्लेस है, मेले में तो लड़की को प्रपोज करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज मेल कंटेंट, मेल कंटेंट मीन्स होता है असंतुष्ट प्रकट करना। तो अगर आपका कंटेंट मेला हो गया तो क्या हो गया, आप मेल कंटेंट हो गए, मतलब आप असंतुष्ट प्रकट करोगे। नेक्स्ट वर्ड इज मेल एडिक्शन, मेल एडिक्शन मीन्स होता है शाप देना या कोसना। तो आपको माल खाने की एडिक्शन है, ठीक, अगर आपको माल खाने की एडिक्शन है तो आप क्या हो, मेल एडिक्शन हो। तो मेलिफिशियंट, मेलिफिशियंट मीन्स होता है बुराई या दुष्टता, उसे बोलते हैं मेलिफिशियंट। तो याद करने ट्रिक्स है, दूसरे के माल एफिशिएंट तरीके से खाते हैं, अगर आप दूसरे के माल को एफिशिएंट तरीके से खाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेलिफिशियंट है, ये बुराई है। तो मेल फैक्टर, मेल फैक्टर में होता है दोषी अपराधी। तो मेल और फैक्ट्री में बम ब्लास्ट कराए, क्या है, मेल फैक्टर है, मतलब मॉल और फैक्ट्री में अगर आप बम ब्लास्ट कराओगे इसका मतलब क्या है, ये मेल फैक्टर है, तो मतलब क्या है, दोषी अपराध है। तो मेल फैक्टर और मेल माल और मॉल और फैक्ट्री बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स। तो मैमोथ, मैमोथ मीन्स होता है विशाल, विशाल का है, ऑफ वेरी वेरी ग्रेट साइज और एक्सटेंड। माँ और मौत, मैमोथ चीज है लाइफ में, सही बात है, माँ और मौत, मैमोथ चीज है लाइफ में, मतलब काफी विशाल है लाइफ में। मलेशियस, मलेशियस मीन्स होता है बुरा चाहने वाला या दुर्जन। तो मेले, मलेशियस अपने साथ वार करने वाला है, मतलब जो मलेशिया है वो अपने साथ वार करने वाला है, विद मलेशियस, मतलब विद बुरा चाहने वाला दुर्जन, ठीक है। तो वार मीन्स होता है किसी दो कंट्री के बीच में जो लड़ाई होती है ना, फाइट होती है, उसे बोलते हैं फाइट। देखो जो फाइट होती है, फाइट क्या होती है, किसी दो या चार या पांच बंदों के बीच में होते हैं फाइट, ठीक है। और एक वार होता है ना, दो कंट्री के बीच में होता है वार, उसे बोलते हैं लड़ाई। तो मलेशिया अपने साथ, मतलब लड़ेशिया, जो मलेशिया इंडिया के साथ वार करने वाला है,
इसका मतलब क्या है, मलेशिया जो है क्या है वो इंडिया का, इंडिया के लिए क्या है मलेशियस है, तो मलेशिया और मलेशियस है मतलब क्या दुर्जन है इंडिया के लिए। तो मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंस होता है जिंदा करना या बदनाम करना, उसे बोलते हैं मेलिग्नेंट। तो मालिक कब से लाइन मारता है, ठीक है, मालिक कब से लाइन मारता है आपकी वाइफ को, इसका मतलब क्या हुआ, मालिक कब से लाइन मारता है आपकी वाइफ को, इसका मतलब क्या, जो मालिक है वो मैलिग्न है मतलब बदनाम है, जिंदा बदनाम है, ठीक है, हार्मफुल है, इवल इन नेचर, इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, ऐसे कर सकते हैं याद आप, ठीक है। तो मालिक कब से लाइन मारता है आपकी वाइफ को, तो मालिक क्या है मैलिग्नेंट है। तो मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट में से होता है प्राण घातक या बीमारी। तो माली और आंटी को मैलिग्नेंट बीमारी हो गई, मतलब माली और आंटी को कैसी बीमारी हो गई, मैलिग्नेंट बीमारी हो गई, मतलब काफी प्राण घातक बीमारी हो गई, ठीक है, इसे बोलते हैं मैलिग्नेंट। तो मैलिंगर, मैलिंगर में होता है बहाना, इसे बोलते हैं मैलिंगर। माल में इंजरी हो गया, ठीक है, माल मॉल में इंजरी हो गया, आज मैं स्कूल नहीं जा सकता, उसे बोलते हैं मैलिंगर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एम लेटर वोकैबुलरी ट्रिक के पार्ट 3 में मैंने आपको पहले ये बता रखा हूँ काफ़ी डीपली मैं, कि इनको मान लो इंजरी हो गई, ठीक है, मगर ये बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी आज क्लास में, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लड़की है क्या कर रही है, मैलिंगर कर रही है, मतलब बहाना कर रही है, चोट चोट इनको थोड़ी लगी है, चोट तो किसी और को लगी है। तो नेक्स्ट वर्ड इज मैन्यूवर, मैन्यूवर मीन्स होता है अ सेट ऑफ मूवमेंट नीड स्किल एंड केयर, उसे बोलते हैं मैन्यूवर। तो मुन्ना भाई हर मूवी में मैन्यूवर करता है, मतलब मुन्ना भाई हर मूवी में मैन्यूवर करते हैं, मतलब सेट ऑफ मूवमेंट डिस्क्राइब स्किल और केयर। नेक्स्ट वर्ड इज मिनैक्कल, मिनैक्कल मीन्स होता है हथकड़ी। तो आदमी की अक्ल ठीक नहीं है, उसे मिनैक्कल में बांध दिया, मतलब जो आदमी की जो हथकड़ी है, सॉरी आदमी की जो अक्ल है वो क्या अच्छी नहीं है, उसको कहाँ बांध दिया, मिनैक्कल से बांध दिया, मतलब उसे हथकड़ी से बांध दिया। नेक्स्ट वर्ड इज मैंगल, मैंगल मीन्स होता है टुकड़े टुकड़े करना या नाश्ट करना, उसे नष्ट कर देना, उसे बोलते हैं मैंगल। तो मंगल पांडे मैंगो को मंगल करके खाते हैं, मतलब जो मंगल पांडे है मैंगो को टुकड़े टुकड़े करके खाते हैं, ठीक है। तो मंगल और मैंगो बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स। महंगी, महंगी मीन्स होता है घिसा हुआ है पुराना, जैसे बोलते हैं महंगी, तो महंगा टेबल महंगी हो गया, मतलब महंगा जो टेबल है क्या होगा, काफी पुराना होगा, घिसा पिटा होगा, उसे बोलते हैं महंगी। तो महंगा और महंगी बोथ आर रिलेटेड वर्ड्स। तो मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट मीन्स होता है स्पष्ट करना, उसे बोलते हैं मैनिफेस्ट। तो फेस्ट में पार्टी ने अपने आइडिया को मैनिफेस्ट किया, मतलब क्या किया उसने अपनी पार्टी, तो मैनिफेस्ट में मतलब फेस्ट में पार्टी ने अपने आइडिया को मैनिफेस्ट किया, मतलब क्या किया, अपने जो आइडिया को उन्होंने स्पष्ट किया, उसे बोलते हैं मैनिफेस्ट। मेंटल, मेंटल मीन्स होता है जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंपॉर्टेंट पर्सन और जॉब्स। तो जिसके हाथ में क्रिकेट टीम को चलाने का मेंटल आता है वो क्या हो जाता है, वो मेंटल हो जाता है, मतलब वो पागल हो जाता है, जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता है ये फिगर हम देख सकते हो, एम एस धोनी है, ठीक है। तो मैनिपुलेट, मैनिपुलेट मीन्स होता है चालाकी से काम करना, उसे बोलते हैं मैनिपुलेट। टू कंट्रोल समथिंग यूजिंग विद हैंड्स, उसे बोलते हैं मैनिपुलेट। तो देखो फिगर में मैन प्लेट को मैनिपुलेट करता है, मतलब मान लो आप किसी की शादी में गए, ठीक है, आपको उसे इनवाइट नहीं किया, आपको खाना है, तो क्या करोगे, आप चुरा चुरा कर खाओगे, ठीक है, इस तरह से कोई भी आप स्टोरी बना लो। तो मैन प्लेट को मैनिपुलेट करता है, मतलब क्या करता है, वो चालाकी से काम करता है। तो मनुमिट, मनुमिट मीन्स होता है स्वतंत्रता या आजादी, उसे बोलते हैं मनुमिट। तो मनु और मित्र को मनुमिट करता है, मनु अपने मित्र को क्या करता है, मनुमिट करता है, मतलब अपने मित्र को वो स्वतंत्रता दिलाता है, वो आजादी दिलाता है। सो मार, मार मीन्स होता है हानि पहुंचाना या खराब करना, उसे बोलते हैं मार। तो मार मार के डैमेज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मार कहते हैं, मतलब मार मार के जो आप उसको डैमेज करते हैं उसे बोलते हैं मार। मैरिटाइम, मैरिटाइम मीन्स होता है समुद्र के निकट, उसे बोलते हैं मैरिटाइम। तो मैरिज टाइम के बाद, ठीक है, मैरिज टाइम के बाद मैरिटाइम जाएंगे वे हनीमून के लिए, मतलब कहाँ जाएंगे, वो समुद्र के निकट जाएंगे, ठीक है। तो मैरिज टाइम के बाद मैरिटाइम वे जाएंगे हनीमून के लिए। मैरोड, मैरोड मीन्स होता है लूटना, लूट मार की खोज में फिरना। तो रोड से मार के मैरोड करते हैं, मतलब रोड से मार के आप क्या करते हो, लूटते हो, किसी को लूट लेते हो, उसे बोलते हैं मैरोड। तो मार्शल, मार्शल, मार्शल मीन्स होता है क्रम में रखना, उसे बोलते हैं मार्शल। टू टुगेदर ऑर्गेनाइज पीपल और थिंग्स इन ऑर्डर टू अचीव अ पार्टिकुलर का एम, उसे बोलते हैं मार्शल। तो मार्शल आर्ट्स देखने के लिए लोगों को मार्शल करते हैं, मतलब मार्शल आर्ट्स देखने के लिए लोगों क्या करते हैं, क्रम में रखते हैं, उसे बोलते हैं मार्शल। मैरून, मैरून मीन्स होता है छोड़ देना, उसे बोलते हैं मैरून। तो मैरून शर्ट पहन के जैसे कि इन्होंने, ठीक है, मैरून शर्ट पहन के अपना जो इनके ऊपर जो इल्जाम था ना, अपना इल्जाम अरुण के ऊपर क्या कर दिया, मैरून कर दिया, मतलब इन्होंने जो अपना एग्जाम था वो अरुण के ऊपर मैरून कर दिया, मतलब अरुण के ऊपर छोड़ दिया, उसे बोलते हैं मैरून।
तो अरुण और मैरून बहुत सारे रिलेटेड वर्ड्स। सो मार्सुपियल, मार्सुपियल मीन्स होता है कंगारू। कोई भी अन ऑस्ट्रेलियन एनिमल दैट कैरीज इट्स जंग्स इन अ पॉकेट ऑफ स्किन ऑन द अदर स्टोमैक, जिसे बोलते हैं मार्सुपियल। तो मार्स के सूप पीना है किसको, मार के सूप पीना है मार्सुपियल को, मतलब मार के सूप पीना है किसको, कंगारू को। ठीक है, तो मार के सूप मार्सुपियल, बहुत सारे रिलेटेड वर्ड्स। तो नेक्स्ट वर्ड इज मैक्यूलेटेड। मैक्यूलेटेड मीन्स होता है दाग लगा हुआ, उसे बोलते हैं मैक्यूलेटेड। तो देखो मेहुल क्लास में लेट आ गया, अगर मान लो कि जो मेहुल है, मेहुल हमेशा क्या आता है, राइट टाइम पर आता है। ठीक है, अगर ये बंदा मेहुल है, ठीक है, तो मेहुल अगर आज क्लास में लेट आ गया तो इसकी जो इमेज है कैसे होगी, वो मैक्यूलेटेड होगी, मतलब क्या दाग लगा हुआ हो गया। तो मैस्टिनेट, मैस्टिनेट नेट मीन्स होता है साजिश करना, उसे बोलते हैं मैस्टिनेट, या केबल को बोलते हैं साजिश करना। तो मैस्टिनेट को होता है साजिश करना, याद करने की ट्रिक्स है। मशीन का पैसा एड करने के लिए मैस्टिनेट करते हैं, मतलब मशीन का जो पैसा है वो एट करने के, मतलब खाने के लिए क्या करते हो आप, मैसिनेट करते हो, मतलब कोई ना कोई साजिश करते हो, किस तरह से मैं इस मशीन का जो पैसा है वो एट कर जाऊं, मतलब जो 1 लाख की जो मशीन है वो आप सिर्फ और सिर्फ 80 हज़ार में खरीद लो। ठीक है, किस तरह से, क्या ऐसे ट्रिक लगाऊं मैं। तो मशीन का पैसा एट करने के लिए क्या करते हैं, मैसिनेट करते हैं, मतलब साजिश करते हैं। तो मार्टिनेट, मार्टिनेट होता है नियम करते हैं अनुशासक। तो मार्तिक का जो नेटवर्क कैसा है, मार्टिनेट होता है नियम करता है और अनुशासक है। तो मेष, मेष में होता है गता सोटा, उसे बोलते हैं मेष। तो हनुमान जी मंदिर में मेष लेकर जाते हैं, मतलब जो हनुमान जी है वो मंदिर में गदा लेकर जाते हैं, सोटा लेकर जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है। तो हनुमान जी मंदिर में मेष लेके आते हैं, मतलब गदा या सोटा लेके जाते हैं। तो मैसिरेट, मैसिरेट मीन्स होता है दुबला होना या पतला होना, उसे बोलते हैं मैसिरेट। तो मेष में रात को चना मैसिरेट करते हैं, मतलब मेष में रात को चना क्या करते हैं, दुबला या पतला करते हैं। तो मैसिविलियन, मैसिविलियन मीन्स होता है धोखा करना, उसे बोलते हैं मैसिविलियन। तो माचिस मूवी का विलियन कैसा है, मैसिविलियन है, मतलब माचिस मूवी का जो विलियन है धोखा देने वाला है। मकैबरे, मकैबरे मीन्स होता है डरावना या भयानक, उसे बोलते हैं मकैबरे। तो मकबरे के अंदर मकैबरे होता है, मतलब जो मकबरा है उसके अंदर क्या होता है, मकैबरे होता है, मतलब काफी डरावना होता है, काफी भयानक होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो भी वोकैबुलरी था वो मैंने कवर कर रखा, ठीक है, कवर कर लिया। पता नहीं कितने मिनट का होगा, देख चेक करता है एक बार, पता नहीं लग रहा। तो ये कितने भी मिनट की वीडियो होगी पता है, मुझे नहीं पता, चेक कर बताऊंगा मैं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने एम लेटर वोकैबुलरी के ना पूरे पूरे 130 वोकैबुलरी कवर कर लिया है मैंने। ठीक है, तो फ्रेंड्स विद एम निमोनिक ट्रिक्स, अगर आप इस एम निमोनिक ट्रिक्स को ना, मैंने पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, कि अगर आप इसे अपनी कॉपी पर राइट डाउन करते हो या आप इसे स्क्रीनशॉट करते हो अपने मोबाइल से, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन सिर्फ सिर्फ इसको रिवाइज करो। क्या रिवाइज करोगे, मकैबरे में डरावना या भयानक होता है, मकबरे के अंदर, मकबरे के अंदर मकैबरे होता है, मतलब मकबरे के अंदर भयानक होता है, डरावना होता है। बस आप पूरा ऊपर बस ये सेंटेंस याद कर लो, आपको एक ये वोकैबुलरी याद हो जाएगी। ठीक है, भले आपके एग्जाम में आएगा ना, आप 100% 100% आप इसको इसे सॉल्व कर लोगे। सिनोनिम्स आए, एंटोनिम्स आए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए, कुछ भी आया आपके एग्जाम में, ठीक है, एटलीस्ट आप अपने इंग्लिश भी सुधार सकते हो वोकैबुलरी के थ्रू। तो आप इसको इसको सिर्फ सिर्फ इसको याद कर लेना, ट्रिक्स को आपको इजी याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो मेरा जो टारगेट है ना वो 3000 वोकैबुलरी का टारगेट है। मैं आपको 3000 वोकैबुलरी विद एम निमोनिक ट्रिक्स, इसी ट्रिक्स के थ्रू आपको याद करने की पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।